जी हाँ दोस्तों, आखिरकार भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच रोमांचक तीसरा एक दिवसीय मुकाबला शुरू हो चुका है और वहीं शिखर धवन आज वेस्ट इंडीज की टीम को क्लीन स्वीप करने के लिए पिच मैदान पर आ चुके हैं। और वहीं इस दौरान आप सभी देख भी सकते हो कि किसने कितने रन बना लिए हैं, कौन सी टीम आगे चल रही है, किसने लिए सबसे ज्यादा विकेट, वो सब तो आज के मुकाबले की लाइव अपडेट में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और वेस्ट इंडीज में से तीसरा वनडे मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हो कि भारतीय टीम तीसरा वनडे मैच जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला अब खेला जा रहा है, जहां शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है और अब तीसरे वनडे मैच को जीतकर कप्तान के रूप में शिखर धवन ने एक नया इतिहास रचना चाहेंगे और वेस्ट इंडीज की टीम को क्लीन स्वीप करेंगे। हालांकि इसी बीच दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय टीम के प्रदर्शन पहले और दूसरे मुकाबले में बेहद शानदार रहे थे और क्वींस पार्क ओवल मैदान पर खेले गए एक रोमांचक मैचों को भारतीय टीम ने अंतिम ओवरों में जाकर जीता था। लेकिन दोस्तों कुछ भी मानो, भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ दौरे पर काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और ऐसे में अब हर किसी की निगाहें तीसरे वनडे मुकाबले पर ही है, जहां तीसरे वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आप सभी को अपने टेलीविजन पर ईडी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर देख सकेंगे। अगर आपको इस मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो दोस्तों ऑनलाइन प्रसारण इस मुकाबले का फैन कोड एप्लीकेशन पर किया जाएगा, तो फैन कोड ऐप पर आप सभी इस मैच को लाइव ऑनलाइन देख सकते हैं। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच तीसरे वनडे मुकाबले की, तो तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम बड़ी आसानी से तीसरे वनडे मुकाबले को भी यहाँ त्रिनिदाद में जीत लेगी। हालांकि दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम का इतिहास इस मैदान पर अच्छा नहीं रहा है और ऐसे में वेस्ट इंडीज की टीम को क्लीन स्वीप शिखर धवन कप्तानी वाली भारतीय टीम करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच अगर हम बात करें भारत की प्लेइंग 11 टीम के बारे में, तो दोस्तों भारत की प्लेइंग 11 टीम आप सभी को दिखाई दे सकती है तीसरे वनडे मुकाबले में। उसमें आप सभी को काफी बड़े बड़े बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं वेस्ट इंडीज के कप्तान निकोलस पूरन भी अपनी टीम को बदलेंगे। हालांकि दोस्तों आइए अब एक एक करके हम आपको दोनों की टीमों के बारे में बताते हैं। पहले हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में। जो वेस्ट इंडीज की टीम उतरेगी उसमें निकोलस पूरन टीम का हिस्सा होंगे, शाहिर हुक को मौका मिलेगा, समर ब्रक्स आप सभी को खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, वहीं केसी कार्टी को भी टीम में शामिल किया गया है, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ब्रांडिंग किंग, काइली मायर्स, जैकिस मोटी, रोमन पॉवेल आप सभी को वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं अगर हम बात करें भारत की प्लेइंग 11 के बारे में, जो भारत की टीम उतरेगी उसमें शिखर धवन होने वाले हैं, तो वहीं ईशान किशन को मौका दिया जाएगा, शुभमन गिल टीम का हिस्सा होंगे, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, आवेश खान, राशिद कृष्णा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह आप सभी को खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये होगी भारत और वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 टीम, जो कि तीसरे वनडे मुकाबले में आप सभी को खेलते हुए नजर आएगी। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत और वेस्ट इंडीज के प्लेइंग 11 टीम के बारे में और आपके अनुसार कौन सी टीम तीसरा वनडे मैच जीतेगी? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।